पिछले दिन इलाका प्रेमनगर के वासियों वालों रोस प्रदर्शन करते हुए नगर निगम दफ्तर जोन बी के बाहर गंदा पानी और कूड़ा करकट सुट्टन करके नगर निगम अधिकारियों वालों पुलिस को सूचित करन ते पुलिस मुलाजमों वालों इलाका निवासियों से लाठीचार्ज करन ते परचा करन दे विरोध में भारतीय पूर्वांचल विकास परिषद वालों ADC इकबाल सिंह संधु को मेमोरेंडम दिता गया। इस मौके AN मिश्रा ने दसिया कि इलाका प्रेमनगर के वासियों वालों इलाके दीयां समस्यावां नूं लैके कीते गए रोस प्रदर्शन के विरोध में नगर निगम अधिकारियों वालों पुलिस प्रशासन की मदद नाल कीती गई धक्का मुक्की अते लाठीचार्ज की ओ निंदा करते हैं। उन्हां कहा है कि यह इलाका निवासियों नाल सरासर धक्का है जिस दे विरोध में अज पुलिस कमिश्नर अते ADC नूं मंग पत्र दिता गया है। मैं AN मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्वांचल विकास परिषद, अपने संगठन के प्रतिनिधियों के साथ, मेरे भाई चितरंजन कुमार मोहम्मद सज्जाद जो पंजाब प्रदेश के पूर्वांचल समिति के विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, चितरंजन कुमार जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, मोहनलाल जी जो कांग्रेस पार्टी के भी संगठन में उपाध्यक्ष हैं रेडी फड़ी यूनियन के और इसमें भी महासचिव हैं, इन सबके साथ 27 तारीख की कॉरपोरेशन जोन बी में हुई अमानवीय घटना के विरोध में उसके न्यायिक जांच के लिए ज्ञापन देने DC महोदय और माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय को हम देने आए हैं अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, क्योंकि जो कुछ वहाँ हुआ है वह अमानवीय है, अनैतिक है, सरेआम गुंडागर्दी है। हमारे लोग गंदगी में 10-15 सालों से रहते हैं, हमारे बार बार लिख के देने के बाद भी, कहने के बाद भी वहाँ सफाई नहीं हुई। अधिकारी जब बड़ा अधिकारी जाता है, झाड़ू लग जाता है, सीवर साफ हो जाता है, वो आ जाता है, फिर वो सीवर का पानी और वो टट्टियाँ फैली रहती हैं। वह दिखाने के लिए हमारे 10-15 लोग कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचे थे कि ये गंदगी है, ये गंदा पानी है, उनके हाथों से वो गंदगी लेकर के वहाँ रोड करके उनको मुजरिम बना के पीटा गया। और भारतीय संविधान में किसने अधिकार दे दिया, क्योंकि यह हमारे खेतों में हल चलाने वाले लोग नहीं हैं, नगर निगम के लोगों का काम है जिले के कॉरपोरेशन क्षेत्र में आए हुए समस्त एरिए की सफाई करना, पानी की सफाई करना, उसकी जगह लाठी मारने का अधिकार इनको किसने दिया। आप अगर देखें पूर्व का वीडियो कहीं से मिला हो या रात सारे नेशनल न्यूज पर चल रहा था, नहीं तो हम उपलब्ध करा देंगे। जानवरों की तरह बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है। जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं कॉरपोरेशन के अधिकारी या कर्मचारी, हम मांग करने आए हैं DC महोदय से, पुलिस कमिश्नर महोदय से, कि एक तो जिन लोगों को पीटा गया उनके खिलाफ ही कॉरपोरेशन वाले पर्चा कराना चाहते थे, एक वो पर्चा रद्द होना चाहिए, दोषी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए, उन्हें नौकरी से मुअत्तल किया जाए। और अगर हमारी इस मांग पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो हमने सोमवार तक का समय दिया है लिखित रूप से, मंगलवार से हम कोई धरना आंदोलन या असंवैधानिक काम की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम धरना आंदोलन करते हैं, सड़कें जाम करते हैं, तो ये हम पर डंडा चलाएंगे, हम पर झूठा पर्चा करेंगे। इसलिए हमारे पास मौलिक अधिकार है, हम उधर उस क्षेत्र में रहने वाले 2.5 लाख पूर्वांचली फोकल पॉइंट और उसके आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग मंगलवार से ड्यूटी नहीं जाएंगे, अगर हमें न्याय नहीं मिला फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी। लुधियाना तो गुरमीत निजर की रिपोर्ट, कैमरामैन रवि शर्मा के नाल, Fox.Punjabi, योर सिटी योर न्यूज।